हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन वोलन ड्रेस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहनाकर दिखाती हूँ। यहाँ मैंने देखिए कान्हा जी को ले लिया है, ऐसे हमें चोली पहनानी है और फिर आगे की तरफ से हमने ये जो डोरी लगाई है इसको हम पीछे ले जाकर बांध देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कान्हा जी को ये सुंदर सी ड्रेस पहनाई है और आप देख सकते हैं हमारे कान्हा जी इस ड्रेस को पहनकर कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। पीछे की तरफ से भी मैं आपको ड्रेस का लुक दिखा देती हूँ। पीछे की तरफ से देखिए ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना और कान्हा जी को पहनाना भी बताया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकेंगे। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है adiculturalworld268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे नियॉन ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है और साथ ही साथ मैंने ये 10 नंबर की क्रोशिया भी ले ली है। ये जो ऊन है ये मोटा वाला था, इसलिए मैंने इसको सिंगल रखा है। अगर आप पतला ऊन यूज़ कर रहे हैं तो डबल करके भी कान्हा जी की ड्रेस बना सकते हैं। अब हमें इस तरीके से एक लूप बना लेना है और लूप बनाने के बाद अब हमें इसमें क्रोशिया डालनी है। फिर देखिए क्रोशिया में उनको लेकर हम लूप में से निकाल कर खींच के इसको टाइट कर लेंगे। तो ये यहाँ पे लॉक हो गया। अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से निकालना है, तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें टोटल 12 चेन बनानी है। तो मैंने 3 चेन बना ली है, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। हमने टोटल 12 यानी कि 12 चेन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हमें 2 चेन छोड़ देनी है। तो एक चेन देखिए ये क्रोशिया में है, फिर इसके बाद वाली भी एक चेन हम छोड़कर तीसरी चेन में क्रोशिया को डालेंगे और उनको फंसाकर निकाल लेंगे। क्रोशिया में 2 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। फिर इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हो गए हैं तो क्रोशिया में उनको लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेंगे। हम ये जो चेन बनाते हैं ना, इसे हमें थोड़ा थोड़ा सा ढीला बनाना है, क्योंकि अगर ढीली ढीली चेन होती है तो बीनने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली हम क्रोशिया को अंदर डालकर फिर ऐसे निकाल ले रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा टाइट चेन होगी ना तो बीनने में पहली लाइन थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो इसीलिए आप हल्का सा ढीला रखें चेन को, जिससे कि बीनना आसान हो जाएगा। फिर से मैंने देखिए ऐसे क्रोशिया को डाला है चेन में, उनको फंसा कर निकाला है, 2 फंदे हो गए हैं। क्रोशिया में उनको लेकर इन दोनों से निकाल देंगे। इसको हम सिंगल क्रोशिया कहते हैं। अब ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक कंप्लीट कर लेना है। तो मैंने ऑलमोस्ट देखिए बीन लिया है, 2 चेन और बची हैं, तो इनमें से भी बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया। ये एक और ये लास्ट वाली ये कंप्लीट हो गई। बीनने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर पहले हम एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद अब हमें इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालना है, उनको फंसा कर निकालना है, फिर सिंगल क्रोशिया बनानी है। ऐसे ही अब हम फिर से हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। हमें कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको कान्हा जी की ड्रेसेस बनाना बता रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं और पहली बार ड्रेस बना रहे हैं या फिर आपको बुनाई करनी नहीं आती है तो भी आप इजीली देखिए क्रोशिया चला सकते हैं और ये जो सिंपल सिंपल सी ड्रेसेस हैं इनको बनाकर आप कान्हा जी को भी पहना सकते हैं। तो लास्ट तक हमें सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करनी है। ऐसे ही मैंने ना ढीला ढीला बिना है, बहुत ज़्यादा टाइट अगर आप बिनते हैं तो फिर कड़ी हो जाती है ड्रेस और वो कंफर्टेबल नहीं रहती है कान्हा जी के लिए। तो हमेशा थोड़ा सा ढीला बिने, जिससे कि ड्रेस मुलायम हो। अब लास्ट चेन है, इसमें से भी हम सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे। ये निकल गया फंदा, तो देखिए
कंप्लीट कर लिया है हमने। अब हम इसको फिर से पलट लेंगे और पलटने के बाद पहले हमें एक चेन बनानी है। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे, हर एक लाइन की शुरुआत में पहले हमें एक चेन बनानी है और उसके बाद हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से हमें एक लंबी सी पट्टी बीन के तैयार करनी है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब भी हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे तो पहले पलटने के बाद हम एक चेन बनाएंगे, चेन बनाने के बाद फिर हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। सिर्फ इस बात का आपको ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं, क्योंकि ना हमें और कुछ करना ही नहीं है, बस सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है और इसको पलटना है, एक चेन बनानी है, फिर हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने एक लंबी सी पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। अब लास्ट में हम इसको लॉक करेंगे तो एक चेन बची है। ऐसे देखिए, हमें एक चेन बनानी है और इसको ढीला कर लेना है। ढीला करने के बाद हम यहाँ से कट कर लेंगे, तो ऐसे देखिए ऊन निकल जाएगा और यहाँ से हमें अच्छे से टाइट करना है। अब टाइट करने के बाद आप थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए फिर एक्स्ट्रा ऊन कट भी कर सकते हैं, या फिर ये जो बचा हुआ ऊन है ना, इसको आप थोड़ी थोड़ी दूर पर ऐसे करके निकाल सकते हैं, जिससे कि हमें कट भी नहीं करना पड़ेगा और खुलने का रिस्क भी नहीं रहेगा। ये यहीं पे देखिए ऐसे इन हो जाएगा इस तरीके से। देखिए ये यहीं पे हमने इन कर दिया है। अब एक पट्टी बनकर बिल्कुल तैयार है, सेम ऐसे ही हमें एक पट्टी और बना लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूसरी पट्टी भी बनाकर तैयार कर ली है और इन दोनों का साइज़ मैंने एकदम बराबर ही रखा है। और अब मैं आपको इसकी टोटल लंबाई भी बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो मैंने लगभग 9 इंच यानी कि 9 इंच रखी है। और अब हम इन दोनों को जॉइंट करेंगे, तो हमें एक के ऊपर एक करते हुए ऐसे रखना है और ऊपर से मेज़र करके हमें 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंच पे मार्किंग करनी है। सेम ऐसे ही नीचे की तरफ से भी हम मेज़र करके 3.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद अब हमें यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सुई धागे से टक करके जॉइंट कर लेना है। बीच की ये जो जगह है इसको हम खुलाई छोड़ देंगे, क्योंकि हमें कान्हा जी का नेक भी बनाना है, तो इसीलिए बीच में हमें जॉइंट नहीं करना है। तो मैंने देखिए ये सुई धागा ले लिया है। आप चाहें तो सिलाई मशीन से भी जॉइंट कर सकते हैं, पर सुई धागे से जॉइंट करना थोड़ा ज़्यादा ईजी रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से यहाँ तक और इधर की तरफ भी यहाँ से यहाँ तक सुई धागे से टक करके जॉइंट कर लिया है। और अब जब हम ओपन करेंगे तो बीच में आप देख सकते हैं कान्हा जी के लिए नेक भी बन गया है और ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। तो अभी ये बहुत सिंपल लग रहा है, इसमें हम किनारे की तरफ से एक आउटलाइन देंगे जिसकी वजह से इसका लुक और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये रेड कलर का ऊन यूज़ किया है, क्योंकि ये वाला जो ऊन है वो लाइट कलर का था, इसीलिए मैंने इसके साथ डार्क कलर का कॉन्ट्रास्ट दिया है। ये काफ़ी पतला ऊन था इसीलिए मैंने इसको डबल करके यूज़ किया है। किनारे पे हम डालेंगे क्रोशिया और ये जो ऊन है इसको हम इसमें से निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमें नॉट लगाकर बांध लेना है यहाँ पे। नॉट लगाकर बांधने के बाद मैंने देखिए यहाँ से एक्स्ट्रा ऊन कट कर लिया है। अब जहाँ से हमने नॉट लगाई है वहीं से ऐसे क्रोशिया को डालकर हम ऊन को फंसाकर निकालेंगे। हमें एक चेन बनानी है और जहाँ से हमने ये चेन बनाई उसी में से हम एक सिंगल क्रोशिया भी बना लेंगे। फिर हमें इसके बाद वाली जो चेन है यहाँ से भी सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो बेसिकली एक ही में से हमें दो दो सिंगल क्रोशिया बनानी है, देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे बनाई है। तो अब इसके बाद वाला ये जो जगह है यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। फिर इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से भी हमें दो बारी सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए हमने ये जो लाइंस बीनी है ना, इसकी जो गैपिंग है उसमें से हमें दो दो सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसको चारों तरफ से कंप्लीट करना है। बहुत ही इजी तरीका है ये। देखिए पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी में से हम एक सिंगल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में से एक सिंगल क्रोशिया और बना लेंगे। ऐसे करके हमें चारों तरफ से इसको कंप्लीट करना है।
चारों तरफ से हमने देखिए सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है और अब ड्रेस का लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। लास्ट में ये जो एक फंदा बचा है इसको अब हम लॉक करके एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेंगे। लॉक करने के बाद अब देखिए ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम कान्हा जी के लिए डोरी बनाएंगे, तो डोरी बनाने के लिए मैंने फिर से ये रेड कलर का ऊन ले लिया है और हमें सिंपल सी चेन बनाती है। ऐसे करके हमें देखिए सिंपल सी चेन बनाते जानी है और जैसे जैसे हम चेन बनाएंगे डोरी बनती जाएगी। आप अपने हिसाब से डोरी की लंबाई रख सकते हैं, मैं थोड़ी सी लंबी डोरी बनाती हूँ जिसे कि बांधने में भी आसानी लगती है और फिर पीछे की तरफ से जो हम बो बनाते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने डोरी बना के तैयार कर लिया है, अब हम इधर की तरफ से डोरी डालेंगे। तो ये देखिए जो हमने नेक बनाया है इसके थोड़ा सा नीचे से हमें डोरी डालनी है, तो ये वाली जो लाइन है यहाँ से हम डोरी डालना शुरू करेंगे। हमें ऐसे क्रोशिया डालना है और पीछे की तरफ से ये जो डोरी है इसको हमें क्रोशिया में फंसा कर इसमें से निकाल लेना है। सबसे आसान तरीका है ये डोरी डालने का। देखिए अब हम एक दो सिंगल क्रोशिया छोड़ देंगे और जो ये तीसरी वाली गैपिंग है यहाँ पे डालेंगे क्रोशिया को, फिर से ऐसे डोरी पकड़कर इसमें से निकाल लेंगे। अब हमें फिर से एक दो छोड़ देना है और ये जो तीसरी वाली है ना चेन यहाँ से देखिए पीछे से हम डालेंगे क्रोशिया और ऐसे डोरी को पकड़कर निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमें लास्ट तक डोरी डाल लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने डोरी भी डाल ली है और अब हमारे कान्हा जी के लिए बहुत ही सुंदर सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है।